हेलो गाइस, दिस इज मोहित अग्रवाल फ्रॉम कैलकटा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीए इंटर मई 2019 के ऑडिट सब्जेक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट्स फिलहाल आ चुके हैं। मतलब आई एम स्टैंडिंग ऑन 9th ऑफ दिसंबर 2018 एंड अभी तक क्या क्या अमेंडमेंट्स जो है वो आ चुके हैं, जो आप लोग को पढ़ना चालू कर देना है। तो एज सच बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के दिमाग में जब वो वेबसाइट देखते हैं आईसीआई का, कि ऐसे 200 में सर अमेंडमेंट है क्या, सर 230 में अमेंडमेंट है क्या, सर ऐसे 200 ऐसे 230 में अमेंडमेंट है क्या सर। तो सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, 3 मिनट लगेगा, क्या क्या अमेंडमेंट है हम लोग सब एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। ऐसे 200 में बेटा, पहला बात, अभी तक ऐसे 200 में जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है वो ड्राफ्ट है, वो फाइनलाइज्ड है ही नहीं। एंड मोर ओवर ऐसे 200 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ऐसे एसई यानी एसएसई 200 एक नया स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा है, विच इज अ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉर स्मॉल एंटिटीज। जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 अपने पढ़ते हैं ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस, वो तो सबके लिए रहता है ना। बट अब इंस्टीट्यूट बनाना जा रहा है ऐसे एसई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉर स्मॉल एंटिटीज, ठीक है, स्मॉल एंड लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, उसके लिए ऐसे एसई 200 जो है ना वो इंस्टीट्यूट नया ड्राफ्ट एक तो रिलीज किया है, वो फ्यूचर में जब फाइनलाइज्ड रहेगा उसके बाद वो सिलेबस में आएगा, अभी तो फाइनल भी नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ ड्राफ्ट और इंस्टीट्यूट मेंबर्स का कमेंट्स मांगा है उसके ऊपर, ठीक है। पहला बात ये देखिए, एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ ऐसे एसई 200 यानी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉर स्मॉल एंटिटीज, भाई नाम तो सेम ही, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बट फॉर ऑडिट ऑफ स्मॉल एंड लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज फॉर कमेंट्स, तो ये आपके कोई काम का नहीं है। दूसरा बात, नाउ ऐसे 230, ऐसे 230 में देयर इज नो अमेंडमेंट, मेंबर्स कैसे ऐसे 230 इंप्लीमेंट करें उसमें उन्होंने इंप्लीमेंटेशन गाइड को रिवाइज किया। तो आप जो ऐसे 200 पढ़ रहे हो पढ़ो, ऐसे 230 पढ़ रहे हो जो वही आप पढ़ो, ठीक है। मोर एसेस का अगर बात करें तो ऐसे 299 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर है, बेटा वो तो नवंबर 2018 के लिए अमेंड हो चुका था, दैट इज नॉट अमेंडेड फॉर मे 2019, चेक योर आरटीपी, तो नवंबर 18 के लिए अमेंड हो चुका था, तो वंस अमेंडेड वो तो ऑब्वियस बात है सब्सिक्वेंटली जो है वो अमेंडेड वाले ही आप पढ़ेंगे। एंड ऐसे 720 हैज बीन अमेंडेड फॉर योर टर्म, ठीक है। तो ऐसे 200 नो अमेंडमेंट, नया एक ऐसे ऐसी 200 बन रहा है, ऐसे 200 में ऐसे भी एग्जिस्टिंग ऐसे 200 को लोग नहीं छू रहे, नया ऐसे ऐसी बना रहे 200। फिर ऐसे 230 में इंप्लीमेंटेशन गाइड इन्होंने अमेंड किया है जो कि हम मेंबर्स के लिए। फिर तीसरा बात जो है दोस्तों वो ये है कि 299 जो है वो तो पहले अमेंड हो चुका था, और ऐसे 720 जो है वो भी मई 19 के लिए आपको अमेंडेड वाला वर्जन पढ़ना है। ओके 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 ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में जो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अगर आप पढ़ रखे हैं दोस्तों, तो याद है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में देयर इज अ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, वो सबसे बड़ा वाला 143 सबसेक्शन 3, जिसमें ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में 10 क्लॉजेस के ऊपर रिपोर्टिंग करना पड़ता है। याद करिए कौन सा, 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, वेदर द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो ऑडिटर को पाना था उसने पा लिया कि नहीं, ठीक है। क्लॉज बी, क्लाइंट को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर लॉ बनाना था बना लिया कि नहीं, यस वही वाला। ऐसे करते करते हम लोग 143 सबसेक्शन 3 में टोटल 10 पॉइंट था, 10 क्लॉजेस था, क्लॉज ए से क्लॉज जे, याद आया, क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, या आई वाज काउंटिंग दैट जे, तो 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जे में याद है क्या था, अच्छा था, मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और वो प्रिस्क्राइब भी किया जा चुका था ना रूल 11 में। 143 सबसेक्शन 3 में टोटल 10 मैटर के ऊपर रिपोर्टिंग रहता था, उसमें 10वां मैटर रहता था सच्चा था मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी, और सीजी ने रूल 11 बना रखा था और 4 मैटर डाल रखा था उसमें। याद करिए रूल 11 में कौन सा 4 मैटर अपने को ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ता था, एक तो वेदर क्लाइंट हैज डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ द पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो उसके ऊपर क्लाइंट के ऊपर जो केस चल रहा है ना पेंडिंग लिटिगेशन है ना, हो सकता है वो फ्यूचर में हार जाए, तो कम से कम डिस्क्लोजर तो क्लाइंट ने दिया है ना नोट्स एंड अकाउंट्स में, क्या इंपैक्ट हो सकता है उसके फाइनेंशियल पोजीशन पर, ठीक है। और दूसरा, क्या उसने प्रोविजन बनाया है फॉर मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस, और आईपीएफ होता है ना इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, उसमें ट्रांसफर कहीं डिले तो नहीं कर दिया करने में। और फोर्थ रहता था, अपने ऐसे याद भी करते थे रूल 11 में जो लास्ट पॉइंट रहता था डी फॉर डीमोनेटाइजेशन, कि डीमोनेटाइजेशन पीरियड जो था ना, बिल्कुल सही दोस्तों मित्रों सॉरी
8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 जो स्पेसिफाइड बैंक नोट्स 500 और 1000 रुपए जो बंद हुए थे ना, वो क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली थे ना और डीलिंग ठीक से हुआ था ना, ऐसा तो नहीं था ना कि सीधा गोडाउन से रुपया निकाल करके बैंक में जमा कर दिया। तो ऑडिटर को ये सब चीज के ऊपर रिपोर्टिंग करना रहता था। अब बात ये था कि रूल 11 में जो चौथा पॉइंट था डीमोनेटाइजेशन, वो हर साल तो नहीं होता, वो तो खाली एक ही बार हुआ था 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016। तो ऑडिटर को क्या बार बार अपने रिपोर्ट में इस बारे में लिखना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। तो वो रूल 11 में जो पॉइंट डी था वो विड्रॉ कर लिया गया दोस्तों, ठीक है, बिकॉज इट वॉज नॉन रिकरिंग इवेंट। सो ऑडिटर को अब ये सब चीज के बारे में डिस्क्लोजर करने का दरकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। देख सक रहे हैं आप लोग कि सब्सिक्वेंट ईयर्स में इसका डिस्क्लोजर नहीं होगा, बिकॉज इट वॉज इवेंट स्पेसिफिक। देखा, इवेंट स्पेसिफिक, या इवेंट स्पेसिफिक, ओके। इसका क्लैरिफिकेशन में भी आ जाते हैं अपने। एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो 30 मार्च 2017 को बताया था ना, तो क्या वो हम लोग को जन जनमानता तक रिपोर्टिंग करना है? तो उसमें इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको अब वो जो फोर्थ पॉइंट था डिमोनेटाइजेशन वाला, उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल यही अमेंडमेंट्स है, स्टे ट्यून्ड। अगर कुछ भी और अमेंडमेंट्स आया, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपको वो अमेंडमेंट्स जो है वो बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन वेरी वेल, अच्छे से पढ़िए। एंड हाँ, नवंबर 18 का जो ऑडिट पेपर का एनालिसिस है ना, वो भी मैं अपलोड जो है एक या दो दिन में कर दूंगा, तो आप उसको भी जो है ना एक बार जरूर देखिएगा, इससे आपको मई 2019 एग्जाम्स में काफी मदद मिलेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।